नमस्कार, डीवी भारती समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि जायसवाल। खबर राजस्थान से है। बारा शहर के मध्य स्थित पब्लिक पार्क में योग के प्रति जागरूकता के उद्देश्य को लेकर सनातन ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा योग दिवस के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी नीलिमा भारद्वाज व नीना मिश्रा के अनुसार योग गुरु श्रीमती कमला तनेजा द्वारा योग व प्राणायाम कराया गया व साथ में उत्तम स्वास्थ्य रखने की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर मंडल की अध्यक्ष प्रेरणा तिवारी द्वारा बताया गया कि महिलाएं समाज व परिवार की नींव होती हैं। मजबूत व स्वस्थ नींव द्वारा ही उन्नत समाज व खुशहाल परिवार की कल्पना की जा सकती है। शिविर की व्यवस्था नीता शर्मा व रीना शर्मा द्वारा की गई। योग गुरु तनेजा ने बताया कि योग शरीर मन और आत्मा को नियंत्रित करता है, मन शांत व शरीर लचीला बनाता है। शिविर में मंडल के सदस्यों के अलावा शहर की कई महिलाओं ने भी भाग लिया। राजस्थान के भरतपुर वैर विधानसभा में बचत घोषणानुसार मुख्यालय पर नवसृजित अधिशासी अभियंता कार्यालय पीडब्ल्यूडी में अधिशासी अभियंता के पद पर नरेंद्र जाटव ने पदभार ग्रहण कर कहा कि लोगों को अब अपनी विभागीय समस्याओं के लिए बयाना नहीं जाना पड़ेगा। अब वैर विधानसभा के लोगों के विभागीय कार्य उपखंड मुख्यालय पर ही निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता निर्माण कार्यों को समय पर ही पूर्ण कर गुणवत्ता को ध्यान में रखकर करना रहेगा, साथ ही राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करना रहेगा। आपको बता दें कि जाटव भिलवाड़ा जिले के शाहपुर से स्थानांतरण होकर आए हैं। एक्शन के पद में ज्वाइन किया है और विधानसभा वैर जो है वो इस डिवीजन के अंदर रहेगी, तो इससे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सड़क से संबंधित जो सारे काम हैं उसके लिए बयान आने जाके सीधे अपने यही हेडक्वार्टर पर हो जाएगा, तो ये लोगों के लिए सुविधा रहेगी। राजस्थान के करौली में माथुर तिलोक चंद स्टेडियम में विश्व योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एडीएम पीआर मीना, आयुर्वेद उपनिदेशक गोविंद शरण शर्मा, योग गुरु विनोद गुज्जर ने योग कराया एवं सियाराम जाटव ने योग कार्यक्रम का संचालन किया। योगाचार्य विनोद गुज्जर ने योग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रार्थना चालन क्रिया, योगासन जिनमें खड़े होकर किए जाने वाला आसन, बैठकर किए जाने वाला आसन, पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन एवं कपाल भाति प्राणायाम, ध्यान और संकल्प के बाद शांति पाठ कराया गया। योग को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाकर नियमित करने को कहा ताकि हम अनेकों बीमारियों से बचकर स्वस्थ रह सके। जिला शिक्षा अधिकारी भरत लाल मीना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम खिलाड़ी मीना, विद्युत अधीक्षक अभियंता आरशी शर्मा, भारत स्काउट गाइड के अनिल कुमार, गंगाराम प्रजापत, वेद रत्न जैमिनी, अभय शास्त्री सहित कई अधिकारी कर्मचारी, छात्र छात्रा, महिला पुरुष उपस्थित रहे। दो, तीन, चार के साथ है। गर्मी और वर्षा दोनों से निजात मिली हुई है। बहुत ही सुहावना मौसम योग अभ्यास के लिए जैसा होना चाहिए वैसा है। राजस्थान के धौलपुर में कंचनपुर थाना पुलिस ने दलित महिला के साथ बलात्कार करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पति को शराब पिलाकर जंगलों में हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया, पुलिस थाने पर थाना इलाके की एक पीड़िता ने नामजद आरोपी रामधर गुज्जर पुत्र राजेंद्र गुज्जर निवासी सोहा के खिलाफ दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत कराया था। मुकदमा में पीड़िता ने बताया, 17 मई को आरोपी रामदीन उसे एवं उसके पति को बाइक पर बैठाकर हसाई गांव के जंगलों में ले गया था। आरोपी ने पति को शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया, इसके बाद पीड़िता के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। आरोपी इसके बाद पीड़िता एवं पति को बाड़ी शहर में छोड़कर फरार हो गया। दर्ज मुकदमा 171/22 धारा 376 SC/ST एक्ट में पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू किया। मामले की जांच कर रहे CO विजय कुमार के निर्देश में आरोपी को थाना क्षेत्र के महुआखेड़ा गांव के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जांच के बाद आरोपी को SC/ST न्यायालय पेश किया जाएगा।
30/5/2022 को थाना पर एक पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मुलजिम ने पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठा के और हासई के जंगलों में ले जाके दुष्कर्म किया और बाद में बाड़ी छोड़ गया। इस बाबत थाना पर मुकदमा नंबर 171/22 अंडर सेक्शन 376 और 3 STSC में दर्ज किया जाकर श्रीमान सीओ साहब द्वारा तफ्तीश किया जा रहा था। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत और महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में शीघ्र मुलजिम गिरफ्तारी के संबंध में थाने पर भी एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो श्रीमान सीओ साहब के निर्देशन में आज महुआखेड़ा के पास से मुलजिम को दस्तियाब किया गया, जिसको श्रीमान सीओ साहब द्वारा प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और श्रीमान सीओ साहब मृत सेंपू द्वारा प्रकरण का अनुसंधान चल रहा है। आरोपी का नाम वगैरह क्या है, उम्र? मुलजिम का नाम रामदीन पुत्र राजेंद्र, जाति गुर्जर, निवासी सोहा, उम्र करीब 23 साल। खबर राजस्थान के जनपद बारा के अटरू की है, जहां सर्किल की कवाई पुलिस महानिदेशक जयपुर के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान बाधित अपराधियों के गिरफ्तारी के तहत जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिनेन्द्र कुमार जैन के निर्देशन में अटरू पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी किरदार अहमद द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में थाना प्रभारी किरदार अहमद, ASI प्रकाश चंद, हेड कांस्टेबल उमा गौतम, कांस्टेबल संतोष को शामिल किया गया। टीम द्वारा को वर्ष 2017 के मामले में वांछित चल रही मुलजिमा की तलाश हेतु महाराष्ट्र के नागपुर शहर को रवाना की गई। टीम द्वारा शनिवार को आरोपी रीना उर्फ रानी, पत्नी विजय, जाति अहीर, उम्र 29 साल, निवासी उमरेट, कमाल चौक, नागपुर, महाराष्ट्र, हाल निवास मिनी माता नगर विचायत केंद्र के पास ACJM कोर्ट छिपा बड़ोद में पेश किया गया, जिसे न्यायिक अभीक्षा में भेजा गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।